गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमारा जो रनिंग चैप्टर जो है वो फंगाई चल रहा है, और फंगाई में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फाइकोमाइसिट्स एंड एस्कोमाइसिट्स को कंप्लीट किया था। फाइकोमाइसिट्स एंड एस्कोमाइसिट्स कंप्लीट होने के बाद में अब इसके दो और क्लास हमारे पास बचे हुए हैं। एक है बैसिडियोमाइसिट्स एंड लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो बैसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स को हमें कंप्लीट करना है फंगाई में। ये टू क्लास हमारे पास अभी रिमेनिंग बचा हुआ है स्टडी करने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहले बैसिडियोमाइसिट्स को, ठीक है। तो जैसे फाइकोमाइसिट्स में हम लोगों ने कुछ उसके जनरल करेक्टर और कुछ एग्जाम्पल को देखा था, एस्कोमाइसिट्स में भी हम लोगों ने यही किया था। उसी तरह बैसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, कैरेक्टर, साथ ही साथ उसके जो कुछ एग्जाम्पल होंगे, उनको हम लोग आज ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखें, यह है बैसिडियोमाइसिट्स। बैसिडियोमाइसिट्स को ही हम लोग क्लब फंगाई कहते हैं। तो बैसिडियोमाइसिट्स इज ऑल्सो नोन एज जैसे वहां पर एस्कोमाइसिट्स को हम लोग सेट फंगाई कह रहे थे, फाइकोमाइसिट्स को हम लोग एल्गल फंगाई कह रहे थे, उसी तरह बैसिडियोमाइसिट्स को हम लोग क्लब फंगाई कहते हैं। बैसिडियोमाइसिट्स में अप्रॉक्स 15,000 स्पेसीज इंक्लूड होते हैं। 15,000 एस्कोमाइसिट्स में भी, 15,000 बैसिडियोमाइसिट्स में भी, और अप्रोक्सीमेटली 1500 तक फाइकोमाइसिट्स में। और टोटल जो है इंक्लूड हमने कहा था कि 50,000 तक, यानी 50,000 तक किसमें फंगाई के स्पेसीज लगभग आते हैं। तो बचा हुआ जो रिमेनिंग होगा वो ड्यूटेरोमाइसिट्स में भी रहता है। तो ये सब एक एस्टिमेटेड आंकड़ा है कि हाँ लगभग इतना तक होता है, नॉट एक्चुअल। अब अगर हम लोग इसके बैसिडियोमाइसिट्स, जैसे वहां पर हम लोग एस्कोमाइसिट्स को देखे थे, एस्कोमाइसिट्स का माइसिलियम, माइसिलियम का मतलब फंगाई का बॉडी, तो वहां पर एस्कोमाइसिट्स का माइसिलियम कैसा था, तो सेप्टेट था। उसी तरह यहां पर इसका भी माइसिलियम कैसा होगा, सेप्टेट होगा। तो माइसिलियम इज सेप्टेट ब्रांच, और साथ ही साथ इसमें या तो एक न्यूक्लियस रहेगा, जनरली डाई बाई न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस होंगे माइसिलियम में, यूनि और बाई न्यूक्लिएट, यानी माइसिलियम में या तो एक न्यूक्लियस नहीं तो दो, और जनरली डाइकारियोट होता है। डाइकारियोट का मतलब टू न्यूक्लियस। यह ग्रो करता है, ग्रो ऑन सॉइल, वुडन पार्ट एंड ऑन प्लांट, और प्लांट के ब्रांच पे भी यह ग्रो करता है। यह जो है वह कुछ जो होते हैं, यानी यह सैप्रोफिटिक है, दे आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, दे आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। इन नेचर, यानी कि यह सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक नेचर का होगा, ठीक है। तो इसलिए, और जनरली क्या होता है कि कभी कभी कुछ जो होते हैं ये डिकम्पोजर भी होते हैं। डिकम्पोजर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी, ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसको डिकम्पोज करना, यानी मिनरलाइजेशन में भी यह हेल्प करने वाला होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एज ए डिकम्पोजर। साथ ही साथ इसमें डोलीपोर सेप्टम होते हैं,
डोली कोर सिम्टम को हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया, पहले भी बताया था हमने कि जनरली कोर का फॉर्मेशन होता है, और डोली कोर का मतलब एक स्पेशल सिम्टम जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को मेंटेन करने के लिए बना होता है। तो ये हो गया डोली कोर सेप्टम इज प्रेजेंट। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी या एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड, यानी एसेक्सुअली स्पोर का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। तो इसमें जब भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो वह सेक्सुअली के थ्रू होगा। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में भी अभी हम बताएंगे कि सेक्सुअल में फ्रूटिंग बॉडी नहीं होता है। तो पहले बस इतना भी ध्यान रखो कि एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड, तो एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बट इट वेजिटेटिवली ग्रो बाय फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ये क्या करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाएगा, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मेनली दो ही तरह के होता है, कहीं कहीं पे दो तरह देते हैं, कहीं कहीं पे तीन तरह का देते हैं, यानी कि समटाइम्स टू टाइप्स, समटाइम्स थ्री टाइप्स। तो एक्चुअल क्या है कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, और अगर थ्री टाइप आपको दे रहा है तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव इज द टाइप ऑफ, वेजिटेटिव भी क्या है, वो एसेक्सुअल ही है। तो प्लांट वगैरह में हम लोग ये सब एसेक्सुअल वेजिटेटिव टाइप देखते हैं। तो यहाँ पर आप इसको वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन वगैरह जो है वो एसेक्सुअल भी कह सकते हैं और वेजिटेटिव भी कह सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा आप परेशान ना हो, ठीक है। तो यह इस तरह से जो है वो वेजिटेटिवली डिवाइड करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ इसमें सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सोमैटोगैमी और स्पर्मेटोगैमी। सोमैटोगैमी या स्पर्मेटोगैमी के थ्रू जो है यह क्या करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये शो करता है, ठीक है ना। तो स्पर्मेटाइजेशन भी इसी को कहते हैं, स्पर्मेटोगैमी या स्पर्मेटाइजेशन भी। ठीक है, तो स्पर्मेटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो शो करता है, लेकिन इसमें एक किसी तरह का सेक्स ऑर्गन जो होता है वो नहीं होता है। तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। तो सेक्स ऑर्गन नहीं होगा लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट जो बनेंगे वो आपस में फ्यूजन कैसे शो करेंगे, तो वो एक कॉपुलेशन के थ्रू, यानी कि दोनों आपस में फ्यूजन को दिखाएंगे, जिसके थ्रू इसमें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हम लोग देखेंगे। बैसिडियो कार्प जैसे एस्कोमाइसिस में एस्कोकार्प का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी तरह इसमें बैसिडियो कार्प का फॉर्मेशन होगा और बैसिडिया का, जिसके वजह से इसका नाम पड़ा बैसिडियोमाइसिस। तो बैसिडिया एंड बैसिडियो कार्प जो है, जैसे वहां पर हम लोग एस्कस एंड एस्कोकार्प जो है वह देखे थे,
वो किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसकी वजह से उसका नाम एस्कोमाइसिस पड़ा था। उसी तरह यहाँ पर बैसिडियम एंड बैसिडियो कार्प जो है वह यहाँ पर बनेगा। और बैसिडिया और बैसिडियम जो है वह एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बैसिडिया इज डेवलप एंड ईच बैसिडियम हैज फोर बैसिडियो एस्पोर। बैसिडिया आर ग्रो और डेवलप इन द रूटनी बॉडी बैसिडियो कार्प। सो दिस इज कॉल्ड बैसिडियो माइसिस। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसमें बैसिडिया का फॉर्मेशन होता है और हर एक बैसिडिया में फोर जो होते हैं वह बैसिडियो एस्पोर का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग बैसिडियो माइसिस। अब देखिए इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनने के साथ साथ ये क्लास जो है, यानी कि इसके मेंबर जो हैं, मेंबर ऑफ दिस क्लास काउस, इसके मेंबर कहने का मतलब कि बैसिडियोमाइसिस के जो फंगाई होंगे वो खास करके दो इंपॉर्टेंट डिजीज को शो कराते हैं, एस्मट एंड रस्ट। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। पक्सिनिया जो है वह रस्ट फंगाई कहलाता है एंड यूटिलाइगो जो है वह अस्मट फंगाई कहलाता है। अभी हम पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे इस चीज को। तो मेंबर ऑफ दिस क्लास कॉज एस्मट एंड रस्ट डिजीज, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है। और स्मट की बात जब भी होगी तो ये यूटिलाइगो से रिलेटेड होगा, और रस्ट की बात जनरली एट जनरल तो ये पक्सिनिया से रिलेटेड होगा। तो ये दोनों जो है वो मेंबर हैं, यूटिलाइगो एंड पक्सिनिया इज द जीनस ऑफ द बैसिडियोमाइसिस क्लास। क्या हम बोल रहे हैं कि यूस्टिलाइगो एंड पैक्सिनिया इज द जीनस मेंबर ऑफ द क्लास बैसिडियोमाइसिस, और इस दोनों जीनस के बहुत सारे स्पेसिस होंगे। तो ये जो यूस्टिलाइगो एंड पैक्सिनिया है, तो स्मार्ट डिजीज जनरली यूस्टिलाइगो से रिलेटेड रहता है और पक्सिनिया डिजीज जनरली यानी रस्ट जो है वह पक्सिनिया से रिलेटेड रहता है। तो ये थोड़ा सा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बातें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बातें जो है वह आपको ये लेके चलना है। और देखो कि जब ड्यूरिंग द डिविजन ऑफ डायकैरियोटिक सेल होता है तो क्लैंप कनेक्शन का फॉर्मेशन करता है। ये क्लैंप कनेक्शन जो है वो अभी हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं डायग्राम से, अगर ये सारी बातें यहां तक कंप्लीट हो गई हैं तो हम लोग देखेंगे। मैं ऊपर से अभी इसको थोड़ा सा डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए ये मिटा रहा हूं, तो तब तक आप ये बात को अगर नीचे के जब तक नहीं हुआ है आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं और तब हम लोग ऊपर में एक डायग्राम से इसका, क्योंकि यह जनरली दो तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, एक होता है सोमैटोगैमी का और एक होता है स्पर्मेटाइजेशन का। तो सोमैटोगैमी में जनरली देखिए यह किस तरह से, तो यहां पर देखो
और ये भी देखेंगे कि क्या होता है बैसिडियोमाइसिस और बैसिडियोस्पोर। अब उसके बाद में ये दोनों फ्यूज करेंगे अब देखिए अब ये प्लाज्मो कैंडी करेगा यानी प्लाज्मो कैंडी ठीक। और उसके बाद में न्यूक्लियस काउंट कर सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 प्लाज्मोकैंडी पूरी तरह से यहां पर यहां तक हो जाएगा। ठीक है तो डाइड न्यूक्लियस हो गया यानी हर एक में टू टू न्यूक्लियस आ गए। अब उसके बाद में देखिए अगर नीचे का नोट डाउन हो गया तो थोड़ा डायग्राम को नीचे तक लाना पड़ेगा नहीं तो उतने में अगर हम जाएंगे तो थोड़ा कम पड़ जाएगा हमें स्पेस। तो अब मैं इसको मिटा करके अब थोड़ा नीचे की ओर डायग्राम को ला रहा हूं। अब ये आगे की ओर देखिए अब ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। ये हो गया इस तरह का स्ट्रक्चर ओके। और इसमें ये दोनों में दो दो न्यूक्लियस आ गए 1, 2, 3 ये बने थे। आप 4 भी कर सकते हैं 5 भी कर सकते हैं बस समझने का तरीका है अभी हमारे यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या है दोनों डाई न्यूक्लियस हैं ये दो दो न्यूक्लियस आ गया इसमें दोनों न्यूक्लियस। अब यहां पर ये डाइकारियोन डाइकारियोन का मतलब डाई मतलब टू और कारियोन का मतलब न्यूक्लियस ठीक है तो सभी में डाइकारियोन हो गया। अब डाइकारियोन जब यहां तक स्ट्रक्चर आएगा तो अब ये क्या शो करेगा तो अब ये दिखाएगा प्लाज्मोगैमी के बाद में क्या आता है कारियोगैमी आता है। तो अब ये कारियोगैमी दिखाएगा कारियोगैमी इस तरह से यानी अब ये सिंगल न्यूक्लियस यानी दोनों न्यूक्लियस जो है वह फ्यूज करेंगे और जनरली इसमें हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है यानी ये जो न्यूक्लियस इसमें है जनरली हैप्लोइड न्यूक्लियस हैं। यह हैप्लोइड क्योंकि माइसेलियम नहीं है हमने क्या बोला था शुरू में ही कि इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं बनता ये सेक्स ऑर्गन नहीं है एस्कोमाइसिस की तरह इसको कंपैरिजन मत कीजिए कि एस्कोमाइसिस में वहां पर जो स्ट्रक्चर बना था वो सेक्स ऑर्गन की तरह बन रहा था। वहां पर हमने क्या बोला था आपको कि एक ही माइसेलियम के दो अलग अलग हाइफी पे ठीक है सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है एक का नाम था आर्किगोनियम दूसरे का नाम था एंथेरिडियम। यहां पर हमने ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है तो डोंट बी कंफ्यूज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट
आई एम टेलिंग यू दैट कि यहाँ पर ये दोनों जो न्यूक्लियस है ये हाफवाई यानी कि इसके माइसेलियम में ही, और ये दिस इज नॉट ए सेक्स ऑर्गन, दिस इज द सेक्स सपोर्टिंग ऑर्गन, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर से क्या होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद उसको मिलती है। अब यहां पर ये जो बना यह हो गया डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अब ये दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज कर जाएंगे हम क्या कह बताए थे आपको, यह भी एन, एन का मतलब हैप्लॉयड, दो हैप्लॉयड मिल गए तो क्या हो गया यहां पर डिप्लॉयड यानी टू डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गए, तो प्लाज्मोगैमी हो गया और कार्योगैमी हो गया। तो इसके बाद अब ये क्या करेगा, ये कर लेगा मियोसिस। तो मियोसिस जब करता है देखिए मियोसिस जब करेगा तो यानी कि हर एक में मियोसिस होगा, तो एक में मियोसिस होता है तो चार बैसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से इसमें हम लोग फोर बैसिडियो स्पोर दिखाने के लिए थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा सबके बीच में, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों हम स्पेस कह रहे हैं देने को। थोड़ा स्ट्रक्चर बताइए बना बाकी सबसे, क्यों, क्योंकि अभी इसमें फोर बैसिडियो स्पोर का हमें फॉर्मेशन करके दिखाना है। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया और ये चार हो गया, आ गया वन टू थ्री फोर। एक में मियोसिस हुआ तो चार, इसमें भी मियोसिस होगा तो चार, इसमें भी मियोसिस होगा तो चार, दैट मीन्स कि सभी में फोर ये बैसिडियो स्पोर बन गए। ये फोर फोर यानी ये सभी जो क्या बने, तो ये बन गया ये बैसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो है ये सभी बैसिडियो स्पोर हैं और ये जो है एक यह हो गया बैसिडियम, और ये सभी जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको कहते हैं हम लोग, ये एक का हो गया नाम बैसिडियम, बैसिडियम सिंगुलर हुआ और पूर्व में बैसिडिया हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ये यहां पर लिखे ना बैसिडियो का, तो ये पूरा का पूरा जिस पार्ट में बनेगा उस जिस स्ट्रक्चर के अंदर में बनेगा उसको कहेंगे हम लोग बैसिडियो का। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या आएगा बैसिडियो का हो गया, ठीक है। मियोसिस ये प्रोसेस हुआ ये बैसिडियो का मतलब पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर में। अब यहां से स्पोर जो है वह रिलीज करेगा, ये स्पोर रिलीज हो गया, ठीक है, और यही बैसिडियो स्पोर यानी कि ये जो रिलीज हुआ तो ये जर्मिनेशन करके फिर से ये माइसेलियम बन गया। तो इस तरह से ये इस तरह का पूरा जो साइकिल है आपको इस समय आपको ये दिख रहा है। जनरली या यूस्टिलाइगो में यूस्टिलाइगो का ये जनरली हमें देखने को मिलता है। पक्सिनिया में स्पर्मेटाइजेशन होता है और यह स्पर्मेटोगैमी है, तो ये यूस्टिलाइगो में हमें जनरली देखने को मिलता है और साथ ही साथ एगेरिकस में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यूस्टिलाइगो में और एगेरिकस में इसको हम लोग जनरली जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है तो इसमें ये तीन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना, कौन कौन सा, पक्सिनिया, यूस्टिलाइगो एंड एगेरिकस। तो इसको याद रखने के लिए यूपीए हम लोग टर्म याद रखते हैं, यूपीए कांग्रेस की कांग्रेस का अलायंस पार्टी का नाम है। तो यूस्टिलाइगो पक्सिनिया एंड एगेरिकस अभी दिखाता हूं मैं आपको ये भी थोड़ा सा। अब कुछ इसके एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखने हैं किसके, तो बैसिडियो माइसिस के, ठीक है। तो अगर ये हुआ आपका
तो अब हम एग्जाम्पल कुछ देखेंगे किसके, तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग बैसिडियोमाइसिस के। ओके डियर, अब मैं इसे भी मिटा रहा हूं ताकि मैं इसके एग्जाम्पल को कुछ लिख सकूं और उससे रिलेटेड डिजीज या रिलेटेड बातों को एक जगह समराइज करूं मैं। तो ये हो गया होगा उम्मीद है आपका। तो अब हम आगे चलेंगे इसका, तो हम लोग देखेंगे अब सम एग्जाम्पल ऑफ बैसिडियोमाइसिस। ओके, अब देखिए चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को हम लोग लिखेंगे। सम एग्जाम्पल जैसे यूटिलाइगो के स्पेसिस को अभी हम बताए थे, डिस्कस भी किए थे, यूटिलाइगो का जो स्पेसिस है ये क्या करता है, तो एस्मा डिजीज काउज करता है, एस्मा डिजीज, और स्मार्ट डिजीज जैसे एग्जाम्पल के रूप में यूटिलाइगो ट्राइटिकी ये काउज करता है लूज स्मार्ट स्मार्ट इन वीट। तो यूटिलाइगो जीनस हुआ, इसमें बहुत सारे स्पेसिस जिसका एक एग्जाम्पल दिए हम, यूटिलाइगो ट्राइटिकी जो क्या कॉज करता है लूज स्मार्ट इन वीट में, यानी वीट के प्लांट में ये लूज स्मार्ट करता है। एमनीटा स्पेसिस, एमनीटा जो है वो एमनीटा एमनीटा का स्पेसिस, तो उसी तरह एमनीटा भी जो है वो जीनस नेम है, और एमनीटा स्पेसिस को हम लोग कहते हैं टोड स्टूल, टोड स्टूल। और साथ ही साथ एमनीटा जो है वह वर्ल्ड का सबसे पॉइजनस फंगाई में से एक है, एमनीटा मस्कैरिया वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस फंगस। नेक्स्ट है मेलास्पोरा स्पेसिस, ये काउज करता है रस्ट ऑफ लिंसिड, एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रिस, इसे हम लोग फील्ड मशरूम बोलते हैं, खाने वाला जो आप खाते हैं ना वो फील्ड मशरूम। और वर्ल्ड का सबसे डेलीशियस जो मशरूम होता है वो है एगेरिकस विस्पोरिस, अभी लिखाएंगे हम फील्ड मशरूम। ये सारी बातें आपके नोटबुक में नोट डाउन होनी चाहिए, एंड एगेरिकस विस्पोरिस BISPORIS विस्पोरस, सॉरी एगेरिकस विस्पोरस विस्पोरस इज कल्टिवेटेड मशरूम, कल्टिवेटेड कल्टिवेटेड मशरूम एंड मोस्ट, और यही क्या है मोस्ट मोस्ट
डेलिशियस एडिबल मशरूम। मोस्ट डेलिशियस एडिबल मशरूम है। पॉलीफोरस कॉल्ड ब्रैकेट कॉल्ड ब्रैकेट फंगस। क्लेवेटिया प्रोड्यूसेस क्लेवेटिया, इसको हम लोग पफ बॉल भी बोलते हैं। क्लेवेटिया प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेज एडिबल गेंद। नेक्स्ट अब है पक्षिनिया। पक्षिनिया प्रोड्यूसेज प्रोड्यूसेज फाइव टाइप्स ऑफ एस्पोर फाइव टाइप्स ऑफ एस्पोर। लाइफ साइकिल ऑफ पक्षिनिया इज कॉल्ड पक्षिनिया इज कॉल्ड कॉल्ड रस्ट साइकिल। देखिए आया ना यहाँ पर रस्ट साइकिल, क्योंकि यह रस्ट जैसे स्मार्ट है उसी तरह पक्षिनिया जो है वह रस्ट को जो है वह काउज करता है। तो इसीलिए यहाँ तक ये सारे जो एग्जांपल हुआ वो कंप्लीट हुआ हमारा किसका, बैसिडियोमाइसिस के इतने सारे एग्जांपल। तो ये सारे एग्जांपल को थोड़ा जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट यूस्टिलैगो को याद रखना है आपको, पक्षिनिया को याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद एगेरिकस को याद रखना है क्योंकि एगेरिकस जो है वो एक एडिबल मशरूम भी इसका एग्जांपल है, खास करके एगेरिकस डिस्पोरस, ठीक है। और क्लेवेटिया से हाँ क्लेवेटिया जो है या क्लेवेटिया प्रोड्यूसेस क्लेवेटिन ड्रग विच इज एंटी कैंसर ड्रग। तो क्लेवेटिया जो है वो एक क्लेवेटिन ड्रग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बनाता है। और ये कैसा है, तो एंटी कैंसर ड्रग में से एक है। कौन, क्लेवेटिन। तो क्लेवेटिन एक एंटी जो है वो कैंसर ड्रग में से एक है, तो इसका भी थोड़ा सा ये बात आप ध्यान रखिएगा इसलिए। और पक्षिनिया तो आप समझ रहे हैं कि यह किसके लिए है, तो वो रस्ट के लिए है। पक्षिनिया रिलेटेड टू रस्ट, ठीक है ना। तो यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों को देखना है थोड़ा सा किसको, अब हम लोगों को देखना है वो लास्ट ड्यूटेरोमाइसिस। ड्यूटेरोमाइसिस में भी बहुत ज्यादा बात नहीं है, हम लोगों को कुछ उसमें भी एग्जांपल है और कुछ मोटे मोटे उसके जो कुछ कैरेक्टर हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ठीक है। आइए लास्ट ड्यूटेरोमाइसिस के बारे में। ड्यूटेरोमाइसिस, ठीक है ना। ड्यूटेरोमाइसिस को हम लोग फंगाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, यानी अब परफेक्ट फंगाई नहीं है। अब ऐसा क्यों, जैसे आप इस शीट से याद करो, फाइकोमाइसिस को एल्गल फंगाई, एस्कोमाइसिस को सैक फंगाई, और अभी हम लोग देखें बैसिडियोमाइसिस को क्लब फंगाई। तो उसी तरह
ड्यूटेरोमाइसिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स को हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज फंगाई इम्परफेक्टी, फंगाई इम्परफेक्टी। क्यों ऐसा? बिकॉज इट डू नॉट अकर्स इन परफेक्ट स्टेज एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो देखिए यहां पे ये बात आपको, ड्यूटेरोमाइसिट्स को हम क्या कह रहे हैं कि ड्यूटेरोमाइसिट जो है वो फंगाई इम्परफेक्टी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फंगाई इम्परफेक्टी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्टेज नहीं है। कहने का मतलब हमारा बॉडी का एक परफेक्ट स्टेज है, अभी हम लोग एडल्ट स्टेज में हैं, ठीक है, खासकर के मैं तो पूरा एडल्ट स्टेज में हूं, तो हमारा बॉडी का एक पार्टिकुलर शेप है, स्टेज है, तो उस तरह का इसमें कोई स्टेज नहीं होता है। पहला बात तो ये हो गई। दूसरा बात इसमें क्या जानने का है, दूसरा बात ये क्यों इसे इम्परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। और ये बात इसके साथ इंक्लूड में याद रखिए कि वेन एवर जब कभी भी इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया तो ऐसे बहुत सारे बैसिडियोमाइसिट्स और एस्कोमाइसिट्स के जो फंगाई हैं वह इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, ड्यूटेरोमाइसिट्स में। ऐसे बहुत सारे फंगाई इस वजह से ड्यूटेरोमाइसिट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं उसको, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जिस फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो गया तो दैट मीन्स दैट फंगाई डज नॉट बिलोंग टू द ड्यूटेरोमाइसिट्स, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो वेन एवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड इन दिस क्लास सम मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिट्स एंड बैसिडियोमाइसिट्स विल इंक्लूड इन दिस क्लास। तो जब कभी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा कि हाँ ड्यूटेरोमाइसिट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एस्कोमाइसिट्स और बैसिडियोमाइसिट्स के कुछ मेंबर जो है वो इसमें इंक्लूड भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो इसका मतलब है कि वह अगर आगे कहीं रिसर्च में मिला कि हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी होता है, तो इसका मतलब है कि वह बहुत सारे जो एस्कोमाइसिट्स और बैसिडियोमाइसिट्स के हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। माइसेलियम जो है वो क्या होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच, जैसा कि आप जानते हैं। माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच विच जनरली और जनरली हैप्लॉयड न्यूक्लियस। तो इसके माइसेलियम में जनरली हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, ठीक है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कॉनिडिया के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, कॉनिडिया के थ्रू। हमारा ग्रोइंग कंप्लीट अब खत्म हो चुका है, तो आगे की सेंटेंसेस जो है वो हम लोग ब्लैक से नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो सेक्सुअल यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडिया, ठीक है। तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आप जानते हैं, तो उससे बता सकते हैं भैया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मन में सोच सकते हैं आप क्या, तो होगा ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी क्या बताया कि इम्परफेक्ट, इसलिए क्योंकि नहीं होता है। इतना लंबा हम लोग जो पूरा भाषण दिए थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही किए थे। अब देखिए सम आर पैरासिटिक एंड सैम सम सैप्रोफिटिक, सम आर पैरासिटिक सम आर सैप्रोफिटिक एंड मेनी मेंबर्स आर डीकम्पोजर्स, और बहुत सारे मेंबर क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स भी होते हैं। ओके तो बहुत सारे मेंबर इसके क्या हो जाएंगे, वो डीकम्पोजर्स भी हो जाएंगे। तो चलिए इतनी सारी बातें ही हम लोगों को अब इसमें जानना है, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर को यानी एग्जांपल को देख लेते हैं, जैसे हम लोग सबका देख लेते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं हम लोग इसके तो कुछ इसके एग्जांपल को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो कर लेंगे। तो जैसे एक अल्टरनेरिया सोलैनी, अल्टरनेरिया सोलैनी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ, अब मैं आपसे पूछूं कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज किसके थ्रू, याद है फाइकोमाइसिस में आया था कुछ, नेट एल्मिंथो एस्पोरियम, राइजेड आर राइजेड राइट, लीफ एस्पोर्ट ऑफ राइस क्या काउज करता है, तो लीफ एस्पोर्ट ऑफ राइस, ठीक है। नेक्स्ट है थोले टू ट्राइकम कोलेटो, ट्राइकम फालकैटम, फालकैटम रेड रॉट ऑफ सुगर केन, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, सुगर केन ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटॉन, कोडर्मा ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम माइक्रोस्पोरम प्रोड्यूसेस और क्या काउज करता है, तो यह रिंग वॉल ह्यूमन में रिंग वॉल एक्जिमा इचिंग ये सारे जो है वो काउज करते हैं ये तीनों मिलकर के। फिर है टेरकोस्पोरा
स्पेसिस, काउज लीफ स्पॉट, काउज लीफ स्पॉट डिजीज, और इसी को टिक्का डिजीज भी कहते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। किसका? तो यार ड्यूटेरोमाइसिस का। अब आप बात से थोड़ा सा ध्यान में रखें, हमारा फंगाई से रिलेटेड जो है वो बात कंप्लीट हुआ, ठीक है। फंगाई से रिलेटेड बात जो हमारा कंप्लीट हो रहा है यहां पर, तो इतना अगर अब आप कर लिए, अब ज्यादातर जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम्पल को। एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल, कहने का मतलब जैसे एनसीईआरटी है तो आप क्या करोगे, मैं यहां पर दे रहा हूं आपको, फोर क्लास है, कौन कौन सा, फाइकोमाइसिस, दूसरा कौन सा है, एस्कोमाइसिस, तीसरा थर्ड वन इज द बेस्ट वीडियो माइसिस एंड फोर्थ वन इज द ड्यूटेरो माइसिस। नेक्स्ट अब आप क्या करो, मैं आपको ये बस बता रहा हूं यहां पर, आप इसके नाम को याद करो, राम कैन यूपीए कैड, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ये सब ध्यान में रखोगे, जैसे यहां पर कैड का मतलब सी से क्या लिखे हैं, पोलेट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया और टी से ट्राइकोडर्मा, यूपीए यूस्टिलैगो अक्सिनिया एगारिकस, जो जो एनसीईआरटी में दिया है, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर अल्बुगो, एम फॉर म्यूकर, ठीक है ना। तो इसके सारे नाम, जैसे ये तीनों है तो आप याद रखो, आप अभी तो आप पढ़ रहे तो आपको याद है कि कौन किस क्लास से बिलोंग करता है, कौन सा एग्जांपल। बाद में आपको, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से रहेंगे, एनसीईआरटी से रहेंगे, और बाद में आपको भूलते देर नहीं लगेगा, आप कंफ्यूज करोगे उस समय, अल्बुगो अल्बुगो किसका था, अल्बुगो उससे था क्या, तो आप याद रखो राम कैन यूपीए कैट, इससे आपका काम चल सकता है, चला के देखिए, आप कुछ अपना भी बना सकते हैं याद रखने के लिए। आपको याद रखने से मतलब है, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी मराठी गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में चीजों को याद रखो। हमें साइंस पढ़ना है ना कि हमें लैंग्वेज पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बस यही समझाना चाहेंगे कि ऑलवेज फोकस ऑन द टॉपिक, दैट मीन्स कि जो टॉपिक हमारा जो सिलेबस का है उसको मैक्सिमाइज करके, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा दिमाग में कैसे करेंगे, सिलेबस बहुत बड़ा है हमारा, और उस मैक्सिमाइज सिलेबस को मिनिमाइज करके, ठीक है, और तब उसको इस मेमोरी में फिट करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो हमारा फंगाई कंप्लीट हुआ, ठीक है, ओके।